हेलो फ्रेंड्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की ओर से नया और इम्पोर्टेंट नोटिस अपडेट आ गया है। और यह जो नोटिस अपडेट है वह सीएचएसएल एग्जामिनेशन 2019 को लेकर के है, जो कि अपलोडिंग ऑफ इरर परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट्स इन टाइपिंग टेस्ट। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स जो टाइपिंग टेस्ट दे चुके थे उनका जो है परसेंटेज में कुछ दिया गया है, जो अपलोड हो गया था वहाँ पर कुछ इरर आया हुआ है, तो इसी के बारे में ये जो नोटिस है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि ये जो नोटिस है वह कुछ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ही है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है यह नोटिस। द कमीशन डिक्लेयर दैट द रिजल्ट ऑफ स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट ऑफ सीएचएसएल 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2019 ऑन 28 फरवरी 2022, द डिटेल्स ऑफ इरर परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट्स इन टाइपिंग टेस्ट वेयर अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन ऑन 9 मार्च, विच इज अवेलेबल अप टू 31 मार्च 2022। तो यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हैं जो कि डिक्लेयर कर दिया गया था स्किल टेस्ट को सीएचएसएल 2019 एग्जाम का, वह 28 फरवरी को कर दिया गया था। और इसमें से जो है कुछ परसेंटेज में इरर हो गया था, कैंडिडेट्स का जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था उसका जो अपलोड कर दिया गया था जो रिजल्ट था उसको यहाँ कमीशन में कर दिया गया था 9/3/2022 को, यानी कि 9 मार्च 2022 को अपलोड कर दिया गया था। और यह जो अवेलेबल है वह आपका 31 मार्च तक अवेलेबल है, यानी कि ये आप लोग देख सकते हैं जो स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट का जो भी रिजल्ट दिया गया था इरर परसेंटेज में वो यहाँ पे 31 मार्च तक देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो साफ बात कहना है इनका, इट हैज बीन नाउ ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द कमीशन दैट फॉर सम कैंडिडेट्स द मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट हैज बीन चेंज, दैट इज इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे अभी नोटिस आया हुआ कमीशन में जो कि लाया गया है, और इसमें से जो है कि कुछ कैंडिडेट्स का जो है टाइपिंग जो मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट था वह चेंज हो गया है, यानी कि यहाँ पे हिंदी से इंग्लिश में किसी किसी का रिजल्ट दिखाया गया है और साथ साथ में किसी किसी का इंग्लिश टू हिंदी में भी रिजल्ट दिखाया गया है, ये बताया जा रहा है कमीशन की ओर से। तो यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि कुछ कैंडिडेट्स का जो है वो टाइपिंग टेस्ट चेंज हो गया। अगर कोई कैंडिडेट्स हिंदी से हिंदी में लिखने वाले थे लेकिन उनका इंग्लिश में रिजल्ट आ गया है, और कोई अगर इंग्लिश में लिखना टेस्ट था तो उसका रिजल्ट हिंदी में आ गया, तो इस प्रकार से यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, द मैटर हैज बिन एग्जामिन्ड एंड इट हैज़ बिन फाउंड दैट देयर इज नो इरर डिस्क्रिपेंसी इन द इवेल्युएशन ऑफ स्किल टेस्ट। तो इसके बारे में सारी चीज़ों को देखा गया, वहाँ पे एग्जामिन्ड किया गया, तो यहाँ पे जो पाया गया उसमें है कि वहाँ पे कुछ गलती नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ डिस्क्रिपेंसी भी नहीं हुआ है इन द इवेल्युएशन ऑफ स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट को यहाँ पे जो भी किया गया है एग्जामिन्ड किया गया तो उसमें कोई गलती नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे हाउएवर ड्यू टू सम क्लियरिकल इरर मीडियम ऑफ द टेस्ट वाज चेंज फॉर सम कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ अपलोडिंग मार्क्स मॉड्यूल। लेकिन यहाँ पे साफ साफ कहना है कि यहाँ पे कुछ इश्यूज के चलते जो भी स्किल टेस्ट का जो मीडियम था वह चेंज हो गया था कुछ कैंडिडेट्स का, जब अपलोड कर दिया जा रहा था उसका मार्क्स मॉड्यूल को तब जा करके यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ था, ये बताया गया है यहाँ पे। द सेम हैज ऑल्सो बीन रेक्टिफाइड करेक्टेड, और बाद बाकी कुछ चीज़ें जो है वह सही के सही हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स का जो है वो अपलोड करते समय में स्किल टेस्ट का जो मीडियम है वह चेंज हो गया है, तो ये इनका कमीशन का कहना है। द इनकन्वीनियंस कॉज्ड टू द कैंडिडेट्स इज रिग्रेटेड, तो यहाँ पे कमीशन की ओर से कैंडिडेट्स से माफ़ी भी मांगा जा रहा है, वो असुविधा जो भी हुआ उसके लिए ये अपना असुविधा के लिए खेद जता रहे हैं कमीशन की ओर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडर सेक्रेटरी 25/3/2022। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो टाइपिंग टेस्ट दे चुके हैं उनका रिजल्ट को सही सलामत जारी कर दिया जाएगा, जितने भी चेंजेस हो गए थे उसको भी अब अच्छे तरीके से रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ये बहुत जल्दी होगा, क्योंकि जिस प्रकार से बताया जा रहा है इस नोटिस में उस प्रकार से इसको चेंजेस भी किए जाएंगे। तो सीएचएसएल एग्जाम 2020-2019 का जो है अपलोडिंग ऑफ इरर परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स इन टाइपिंग टेस्ट, इसी को लेकर के यह जो नोटिस था वो एसएससी की ओर से जारी कर दिया गया है। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को ध्यान में देंगे, आप लोगों को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा, और इसका जो चेंजेस है वो भी बहुत जल्द कर दिया जाएगा, जितने भी रिजल्ट जारी हुए थे अपलोड कर दिया गया था उसको भी अब चेंज करके सही सलामत जारी कर दिए जाएंगे। तो यही नोटिस और अपडेट है।